तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा और कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर, नामांकन से पहले समाजवादी पार्टी फूलपुर सीट पर हुई नरम, कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स आई काम, गठबंधन से मिल सकती है एक और सीट, कांग्रेस की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है, शाम तक हो सकता है फैसला, सपा एक और सीट देने को तैयार हो गई है। गाजियाबाद खैर के साथ फूलपुर पर भी बात बन सकती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखा दी है, कांग्रेस चाहेगी तो फूलपुर से प्रत्याशी वापस ले लेगी समाजवादी पार्टी। शुरू से ही फूलपुर सीट पर अड़ी थी कांग्रेस, सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी को बनाया था प्रत्याशी और ऐसे में नामांकन से पहले समाजवादी पार्टी फूलपुर में बेहद नर्म लहजे में नजर आ रही है। कांग्रेस को ये सीट देने को तैयार हो चुकी है समाजवादी पार्टी और ऐसे में लगातार खटपट की खबरें सामने आ रही थी गठबंधन से और अब समाजवादी पार्टी ने एक अहम कदम उठाया है उपचुनाव से पहले, नामांकन से पहले, और कहा जा रहा है कि फूलपुर सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है। हालांकि कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आती हुई नजर आ रही है, गठबंधन से मिल सकती है एक और सीट यानी कि तीन सीट पर चुनावी हुंकार भरती हुई कांग्रेस उपचुनाव में नजर आ सकती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, प्रेशर पॉलिटिक्स काम आती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की। बिल्कुल श्रुति, जिस तरीके से नामांकन को दो दिन बचे हैं और सियासत रंग पे रंग बदल रही है, जिस तरीके से पहले सपा और कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर विवाद चला, कई बयानबाजियां हुई, पांच पांच सीटों पर बात आई, फिर 8-2 पर बात आई, फिर 7-2 पर बात आई और एक दिन पहले ही खबर आई कि कांग्रेस चुनाव से में हिस्सा ही नहीं लेगी और सपा का सिर्फ समर्थन करेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी पर कहीं ना कहीं से दबाव बना, क्योंकि जिस तरीके से 2024 में दोनों दल साथ आए तो एक बड़ी सफलता मिली थी और अगर कांग्रेस अगर हटती है चुनाव से तो कहीं ना कहीं जो मनोबल होगा वो समाजवादी पार्टी डाउन होगा। ऐसे में अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया है कि कांग्रेस को फूलपुर सीट भी दी जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस फूलपुर सीट लेने को सहमति जताती है तो वो वहां से अपना प्रत्याशी वापस ले लेंगे। आपको बता दें कि फूलपुर पर समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने फूलपुर को लेकर पहले ही दबाव बनाया हुआ था और कांग्रेस फूलपुर सीट को लेकर को अड़ी हुई थी, क्योंकि माना जा रहा था फूलपुर जो सीट है वो कांग्रेस की बड़ी पुरानी सीट है और वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बेटे को कांग्रेस चुनाव लड़ा के वहां पर उनको लॉन्च कर सकती है, लेकिन फूलपुर पर सपा ने प्रत्याशी उतार दिया था। इस पे बाद में कांग्रेस का राग बदल गया था और दोनों में कहीं ना कहीं मनमुटाव दिख रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे नामांकन की अंतिम तिथि आ रही है सियासत में बदलाव हो रहा है और अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस की नाराजगी खत्म करने के लिए एक सीट और देने पर लगभग राजी हो गई है, लेकिन कांग्रेस इस पर सहमति जताती है कि नहीं जताती है, ये सबसे बड़ी देखने की बात करती हुई नजर आती है। रमन, देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन सवाल ये भी है कि फूलपुर सीट जिस पर इतना दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स की बात आ गई है, वो कितना दिलचस्प सियासी उसकी कहानियां कितना दिलचस्प है फूलपुर सीट का। बिल्कुल, जो फूलपुर सीट है वो प्रयागराज और कौशाम्बी क्षेत्र में आने वाली सीट है। फूलपुर सीट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ से लोकसभा सांसद चुनाव लड़ते थे, वहाँ से सांसद रहते थे और उस क्षेत्र में वही नेता बनता था जिसको पर गांधी परिवार का आशीर्वाद रहता था। हालांकि 90 के दशक के बाद में सियासत बदल गई थी और वहाँ पर भी समाजवादी और पार्टी और बसपा की एंट्री हुई और भाजपा भी धीरे धीरे वहाँ पर अपनी जड़ें जमाने लगी, लेकिन अब जब फिर से एक बार कांग्रेस जी लोकसभा में 6 सीटें पाने के बाद उसकी वापसी हुई है तो अब अपने वो जो भी पुरानी सीटें रही हैं उन पर वापसी चाहती है, चाहे जैसे वाराणसी हो, कानपुर हो और ये सब सीटें लगभग ले भी रखी। गांधी परिवार का दबदबा माना जाता है फूलपुर सीट पर। तो रमन, आखिर फूलपुर सीट जिस पर इतना दबाव बना रही है कांग्रेस, किसे प्रत्याशी के रूप में उतार सकती है? पहले से ही चर्चा थी कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं वो अपने बेटे को फूलपुर से चुनाव लड़ाकर उनका सियासी पदार्पण
करने के प्लान में हैं। और यहाँ चर्चा यहाँ तक की थी कि मझवा सीट अगर मिलती है तो मझवा पर खुद अजय राय भी लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन इसको लेकर कोई स्पष्ट बयान किसी बड़े नेता का नहीं था। ऐसे में अगर फूलपुर सीट मिलती है तो अजय राय अपने बेटे को लड़ाते हैं, या फिर सीट जो अखिलेश का फॉर्मूला है पीडीए का, उसी से प्रत्याशी वहां पर उतरता है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स में आकर समाजवादी पार्टी ने एक और सीट देने की बात कही, ये महाराष्ट्र चुनाव में ये जो रणनीति है सपा की काम आती हुई नजर आएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार कांग्रेस से और अधिक सीटें महाराष्ट्र में मांगती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स काम आती हुई नजर आएगी महाराष्ट्र में? बिल्कुल, सियासी गठबंधन बनते ही इसी तौर पे हैं कि आज हम आपसे ले रहे हैं तो कल किस आपको कुछ देंगे, अगर आज आपको कुछ दे रहे हैं तो कल आपसे लेंगे। और अब जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, हालांकि चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में और चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को सीट नहीं दी, लेकिन अब महाराष्ट्र में सीट देने को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन कितनी सीट दी जाएगी इसको लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाने के लिए समाजवादी पार्टी एक भी ऐसा बहाना कांग्रेस को नहीं देना चाहती है कि कांग्रेस जिसको मार्क करके, जिसको कोट करके समाजवादी पार्टी की सीटें वहाँ पे कम कर दे। और उपचुनाव में एक सीट के बदले वहाँ पर अगर महाराष्ट्र में 2-3 सीटों का नुकसान उठाना पड़े, इसलिए अखिलेश यादव ने तीसरी सीट देने का फैसला भी किया है। बिल्कुल, एक प्रेशर पॉलिटिक्स काम कारगर साबित हो गई है। रमन, सवाल ये भी है कि अगर फूलपुर सीट से चुनावी हुंकार भरती है कांग्रेस तो बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक? बिल्कुल, अभी तक भाजपा की सूची नहीं आई है। वो माना जा रहा है कि उसका एक कारण ये भी है कि कांग्रेस और सपा में तालमेल नहीं बन पा रहा है, और खैर गाजियाबाद से लेकर फूलपुर सीट पर किस प्रत्याशी को उतारा जाए जब तक सपा कांग्रेस अपने प्रत्याशी को ना उतार दे। माना जा रहा था कि जब फूलपुर पर सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था, उस वक्त भाजपा ओबीसी चेहरे को वहाँ पर चुनाव में लड़ाना चाहती थी। इससे पहले भी जो वहाँ सांसद बने हैं प्रवीण पटेल, वो भी ओबीसी चेहरा ही थे, लेकिन अब जब फूलपुर सीट कांग्रेस को देने की बात आई है और चर्चा है कि वहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे में वहां पे भाजपा भी अपनी रणनीति बदल सकती है, जिसके चलते अभी तक ऐलान नहीं हुआ है प्रत्याशी का। तो बिल्कुल, बीजेपी ने अभी तक अपना पत्ता सभी के सामने नहीं खोला है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि फूलपुर सीट से किसे प्रत्याशी बनाती है बीजेपी, वही कांग्रेस क्या सहमत होती है फूलपुर सीट को लेकर, देखना बेहद दिलचस्प होगा। रमन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।